आज से 8 महीने और 1 दिन पहले जब एक लड़का गुजरात के वडोदरा से इंडियन आइडल के द्वार पर आया था, उसके सुर तो पक्के थे ही, पर वो था सर्टिफाइड पापा। कोई कुछ भी कहे, वो बुजुर्गों की तरह ऐसे थम्स अप करता था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जब भी वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा ऐसा क्या मेरे अंदर से आ जाता है, मेरी आदत है मुझे थोड़ी सी। जिंदगी गले लगा दे। क्या बात है? हमने भी पापा शिवम आप उसे बोल रहे हो ना, लेकिन वो सिंगिंग का पापा बनने वाला है, याद रखना, इतना ग्रेट है। पापा शिवम आज ये जो गाया बहुत ही अच्छा लगा। इट्स एग्जैक्टली सेम लाइक किशोर दा ने जो गाया। यू आर आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। यू आर वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स टू विन दिस शो। शिवम पापा। अरे इसकी बीवी इसको पापा कैसे कहेगी यार? इसकी बीवी इसको बेबी बोलना चाहिए ना। मैं उसे एक नया लुक देने वाली हूँ शिवम को। ही इज गोइंग टू कम इन अ न्यू लुक। शिवम तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने चेंज किया अपने आप को। बिल्कुल भी नहीं मैम, और परिवर्तन संसार का नियम भी है। ओहो अच्छा, इसका डैडी वाइब था, अंकल वाइब था, वो पूरे कूल रॉकस्टार बन चुके हैं। अब एक कमी रह गई, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच सर। अरे ये वही शिवम है। Oh my God, so handsome. Thank you so much. अब देखना लड़कियां फिदा हो जाएंगी। Thank you so much. शिवम के लिए जोरदार तालियां पापा। कमाल यार कमाल। ऐ जिंदगी गले लगा ले फिर से गाया, और ये गाना पहली दफा भी जब आपने गाया था तो भी एक ऐसा मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई थी। उस टाइम से इस टाइम इतना फर्क, और इतना इतनी इतनी बड़ी जर्नी, और फिर भी हुलिया बदल गया है लेकिन शिवम बदला नहीं, शिवम की गायकी ही नहीं बदली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.